नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCLK9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन करा रहा था समावेशी से, आज हम समावेशी की डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं पूरी तरह से सॉल्व होंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को हम डीप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, जब तक हम किसी भी क्वेश्चन का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन पहले करा रहा था वो क्वेश्चन थे डायरेक्ट, जो पॉइंट टू पॉइंट थे, लेकिन अब जो मैं करा रहा हूँ, आज की जो हमारी छठी वीडियो है वो इसी बेस पर आधारित है कि एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ताकि आने वाले जो और क्वेश्चन होंगे आप उन्हें डायरेक्टली उनका जवाब, उनका आंसर एकदम खटाक से देंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, या फिर कौन सा क्वेश्चन जो आपके नज़दीक ज़्यादा रहा या दूर ज़्यादा रहा। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की और आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज समावेशी शिक्षा का अर्थ जानेंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा आज डीपली जान लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंदर विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे विशिष्ट क्षमता वाले बालक कौन कौन से हैं ये आप जान लो, मंद बुद्धि बालक, विकलांग बालक, अपंग बालक, या फिर सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाए, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। कहने का जो तात्पर्य है, सीधा सीधा पॉइंट जो आपके लिए है वो ये है कि ऐसे बालकों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट, पहले हम इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो है अमेरिका, यानी कि समावेशी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो है अमेरिका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, समावेशी शिक्षा के तीन भाग होते हैं। समावेशी शिक्षा को तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, नंबर एक आपका है शारीरिक एवं विकलांग बालक, नंबर दो है आपका अधिगम अक्षमता, नंबर तीन पर है आपके अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, जैसे निर्धन जो बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अब पहले जान लेते हैं कि शारीरिक एवं विकलांग बालक में कौन कौन से ऐसे बालक हैं जो शारीरिक विकलांग बालक जो होते हैं वो होते हैं आपके, जैसे दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, बोलना अस्थिबाधित। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दृष्टिबाधित जिनको आँखों से कम दिखाई दे या फिर उसको ठीक तरह से ना दिखाई दे, श्रवण बाधित जो होता है वो होता है जो कानों से ठीक प्रकार से नहीं सुन पाए, बोलना जो ढंग से नहीं बोल पाए, अस्थिबाधित वो बच्चे होते हैं जो ठीक प्रकार से बैठने में, उठने में और बोलने में, मतलब हर एक प्रकार से, जिसे हम एक तरह से विकलांग जिसे कहते हैं वो बालक हो। ठीक है, तो अब आता है दूसरा पॉइंट कि अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता में आते हैं जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने, ये अधिगम अक्षमता, और इसके जो अंदर है वो है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या फिर डिसकलेकुलिया। ठीक है, डिसकलेकुलिया में ये, और डिसलेक्सिया डिसग्राफिया में ये पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए, इनमें हम एक वीडियो अलग से शूट कर देंगे इनके लिए और आपको बता देंगे कि होती क्या चीज़ें हैं, क्योंकि सी टेट, यू पी टेट और बी एड इन सब में
जितने भी एग्ज़ाम ये टीचर लाइन में होते हैं सब में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इनके बारे में पूरी तरह से विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले जो टेस्ट हों वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के लिए, ठीक है, वर्ग के बच्चे। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब आता है कि एनसीईआरटी का के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में एक समान शिक्षा दी जाए वो कहलाती है समावेशी शिक्षा, ठीक है। वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। ये हुई आपकी डेफिनेशन एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है आपका समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। अब समावेशी शिक्षा की जो विशेषताएं वो कौन कौन सी विशेषताएं, इनको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर वन, ठीक, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से वंचित बाधित बालकों को भी सामान्य बालकों के समान समझते हैं, यानी कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका समावेशी शिक्षा समाज अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति मदद करने की भावना उत्पन्न करती है, करने में सहायक होती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा समाज अपंग तथा समाज सामान्य बालकों के मध्य एक दूसरे के प्रति मदद करने की भावना उत्पन्न करने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट, ठीक, इससे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि आने वाले जो पेपर होंगे आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे और पॉइंट पॉइंट आपके निकल के आएंगे, ठीक है। अब आती है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, सरकार क्या चाहती है। सरकार ये एक उद्देश्य यानी कि सरकार के जो मन में है वो क्या है, वो जो चाहती है उसको थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। वो है शारीरिक रूप से अक्षम बालक की शिक्षण सामान्य को की जानकारी देना, यानी कि सरकार जो इस विद्यालयों में अपना पैसा खर्च करती है और उनसे भी उम्मीद करती है कि आपके पास कितने बच्चे अपंग हैं, कितने बच्चे आपके पास में ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते और पढ़ भी नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे बालकों की वो एक सूची बनवाते हैं, ठीक है। बालकों की अधिगम अक्षमता को पता लगाकर उनको दूर करना, जैसे पढ़ने लिखने और बोलने में, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आपका कि बालकों की सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न तरीकों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है और यही वो उद्देश्य है इसका कि उसको अच्छी तरह से जानकारी करके उनको उन पर सॉल्यूशन निकालना, उनके लिए एक अच्छी सी व्यवस्था करना, ठीक है। तो अब आता है कि समावेशी शिक्षा का सीधा उद्देश्य, आप ऐसे समझिए कि समावेशी शिक्षा का सीधा उद्देश्य समझिए, ठीक है। वो है यह जानना है कि कोई भी बच्चा चाहे वह शारीरिक विकलांगता, मानसिक अपंगता या किसी भी जाति धर्म वर्ग से क्यों ना हो वह किसी भी विद्यालय में एडमिशन लेने से वंचित ना रह जाए, ये सरकार के मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार इस बात को कहती है कि उसको जो टीचर चाहिए वो किस प्रकार के टीचर चाहिए। तो सरकार उम्मीद रखती है कि ऐसे अध्यापकों का चयन किया जाए जो विशिष्ट व सामान्य,
समझ में आया ना, जो विशिष्ट, विशिष्ट मतलब मंद बुद्धि बालक, विकलांग बालक, या फिर कम अपाहिज वाले बालक, या फिर सामान्य सामान्य बालक, ठीक है। विशिष्ट से मतलब यही है, विशिष्ट व सामान्य बालकों के एक साथ एक कमरा में, यानी कि एक ही कक्षा में एक टीचर उन्हें पढ़ाए, ठीक है। सरकार ये कोशिश करती है कि ऐसा कोई टीचर उन्हें मिले, ठीक है। तो अब सरकार को क्या चाहिए, सरकार को जो चाहिए वो ये है कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को एक साथ पढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को भी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार अगर इनकी व्यवस्था अच्छे से इसी प्रकार कर दे तो मैं समझता हूँ कि भारत हो या दुनिया में कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं इन्हीं में देना, खुद से मतलब देना चाहूँगा सरकार के लिए एक सजेशन कि उनको और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि सरकार को चाहिए कि जिन बच्चों के घर से ज़्यादा दूर जो विद्यालय हैं उनके लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक मुख्य पॉइंट था कि सरकार ऐसा करे, तभी हमारा देश हो या दुनिया में कोई भी स्कूल या विद्यालय या आपका कोई भी कहीं भी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी हो, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। और जब तक शिक्षा नहीं होगी जब तक कोई भी देश हो आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ आया तो दोस्तों हमारे वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतना इसे फैला दो ताकि हर एक नौजवान, हर एक दोस्त के ये चीज़ें तक पास पहुंच जाएं और उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों इसको और जानने के लिए आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा जो छोटे छोटे बच्चों के हम इंटरव्यू लेते हैं और उनसे भी यही चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो प्रतिभा है वो कैसी है। तो इसलिए अगर आप भी ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, मिल जाएगा, और वहाँ से उनका इंटरव्यू आप देखिए और अच्छे से उन पर आप भी रिसर्च कीजिए कि हमको क्या चाहिए और आगे हमें क्या करना है। तो दोस्तों ये वीडियो हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी, और जब तक, तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।